दोस्तों इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ क्लियर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो अभी दोस्तों आपको पता होगा तारक मेहता में जो भिड़े का रोल प्ले करते हैं उन्होंने ना एक वीडियो रिलीज़ किया है, पहले ना आप वो देख लीजिए फिर मैं आपसे बात करता हूँ। नमस्कार दर्शकों, कैसे आप सब? सबसे पहले तो आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वीडियो सिर्फ शुभकामनाएं देने के लिए नहीं है बल्कि आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ जो कि मेरे नज़र में आई, थैंक्स टू माय वाइफ स्नेहल जिसने ये बात मेरे सामने लाई। ये बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे देखा होगा, ज़रा जूम करना इसको, आपने शायद ये देखा होगा, आपने अपने पढ़ा भी होगा इसमें क्या लिखा है कि गोली को निकाला गया, आज टीएम के ओसी सेठ का पूरा सच बोलूंगा, दया भाभी नहीं आएगी, मैं भी शो छोड़ रहा हूं। मुझे बहुत आश्चर्य भी लगता है और दुख भी होता है इस बात का कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लोग कैसे गलत फायदा उठाते हैं। ये आप जो देख रहे इमेज, वो मैं जब 16 साल पूरे हुए थे तब मैं लाइव गया था सबके साथ बात करने के लिए, उसमें से इमेज कैप्चर करके यहाँ पे उसका थंबनेल बनाया गया है। और ये चैनल है कोई बीटी नाम का, बॉलीवुड टॉप, जिसके 5.4 लाख व्यूज हो चुके हैं। जाहिर सी बातें होंगे कि अगर आप ऐसी इमेज डालोगे और ये सब लिखोगे, तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ दर्शकों। तो हाँ गाइज, अब इस वीडियो में ना उन्होंने बीटी बॉलीवुड टॉप बोला है। अब दोस्तों यहाँ पर मेरे चैनल का नाम है बॉलीवुड टॉप, और गाइज आपको बता दूं कि काफी सारे चैनलों के नाम जो है मेरे नाम से डुप्लीकेट खुले हुए हैं। अब ऐसे में दोस्तों वो कोई ऐसा थंबनेल डालते हैं तो लोगों को लगता है कि यार बॉलीवुड टॉप ने डाला है। तो गाइज यहाँ पर अगर आप कोई भी ऐसा कमेंट कर रहे हो कि भाई बॉलीवुड टॉप ने ये क्या कर दिया, ये किस तरह का थंबनेल डाल दिया, झूठी इन्फॉर्मेशन दे दी, आप कृपया करके उस चैनल का नाम अच्छे से देख लीजिए। क्योंकि दोस्तों जिन लोगों ने वीडियो अच्छे से नहीं देखा उनको लगा कि ये बॉलीवुड टॉप बोला है, क्योंकि दोस्तों उन्होंने जिस तरह से बोला कि बीटी बॉलीवुड टॉप, तो काफी सारे लोगों को लगा कि बॉलीवुड टॉप है। अब दोस्तों ये जो वीडियो पर सबसे ऊपर कमेंट है जिसमें सबसे ज्यादा लाइक्स आ रखे थे, उसमें देखो आप कहोगे कि भिड़े टू बॉलीवुड टॉप और उसमें सबसे ज्यादा लाइक्स भी आ रखे थे, तो मतलब समझ रहे हो कि कितने सारे लोगों को गलतफहमी हो रही है कि बॉलीवुड टॉप ने ऐसा कहा है या ऐसा थंबनेल लगाया है। जबकि दोस्तों क्लिकबेट जो होता है ना वो एक लिमिट तक सही होता है, लेकिन जब आप बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन देने लग जाओ सिर्फ व्यूज के लिए तो यार वो बिल्कुल भी सही चीज नहीं होती। और अगर मेरे चैनल पे व्यूज कम भी आ रहे होते ना तब भी मैं ऐसी चीज नहीं यूज करता। तो दोस्तों यहाँ पर भी मैंने करेक्ट कर दिया था, टॉक नहीं टॉप है वो, आप देख सकते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों यहाँ पर करेक्शन करने के बावजूद भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि कई लोगों को मौका मिल गया कि भाई भिड़े ने मेरे को रोस्ट कर दिया, अब यहाँ पर ये कमेंट पढ़ सकते हो और अब मेरा जवाब भी पढ़ सकते हो। तो भाई कुछ लोग ऐसे कमेंट करते हैं मतलब रोस्ट होने वाला काम खुद करते हैं। तो हाँ गाइस ये चीज क्लियर करनी बहुत ज्यादा जरूरी थी कि यार बॉलीवुड टॉक के नाम पर काफी सारे लोगों को गलत फहमी हो रही है। तो आई होप दोस्तों अब ये बात क्लियर होगी होगी और मेरे को बार बार कमेंट करके लोगों को बताना नहीं पड़ेगा जिन लोगों को भी ये गलत फहमी हो रही है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद है वीडियो लाइक जरूर कर देना दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ सब्सक्राइब कर लेना अभी तक भी नहीं किया तो।